नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने है अशोक लेलैंड की 2518। इस 2518 में गियर बॉक्स में साउंड आ रहा है और साउंड सभी में आ रहा है, सभी गियर में आ रहा है। तो इस गियर बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है, वर्कशॉप में लेके चलते हैं दोस्तों और खोल कर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलता है, फिर हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये गियर बता दूं मैं, ये है 850 गियर न्यू मॉडल और इसको हम ओपन करने वाले हैं।
सो दोस्तों हमने गियरबॉक्स को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम काउंटर शाफ्ट को बाहर निकाल लेते हैं और काउंटर शाफ्ट में देखते हैं कि कौन सा गियर गया हुआ है। तो देख सकते हैं हमने काउंटर शाफ्ट को बाहर निकाल लिया है और दोस्तों सबसे पहले तो ये काउंटर शाफ्ट ही गया हुआ है। देख सकते हैं एकदम ऊपर का जो टीथ है काउंटर शाफ्ट का, उसका टीथ पूरा डैमेज हो गया है और एक काउंटर शाफ्ट का 3 नंबर, ये भी इसके भी टीथ सारे डैमेज हो गए हैं और काउंटर शाफ्ट के 1 नंबर। ठीक है, अब चलिए हम मेन शाफ्ट के देख लेते हैं। मेन शाफ्ट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं और शायद अगर काउंटर शाफ्ट के जो गियर है उसके टीथ अगर उसमें डैमेज है तो मेन शाफ्ट का भी डैमेज होगा, पक्का होगा। तो चलिए हम मेन शाफ्ट को बाहर निकाल लेते हैं, मेन शाफ्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटर शाफ्ट जाने की वजह से ये सभी गियर में आवाज आ रहा था। ठीक है, तो पक्का है कि मेन शाफ्ट का भी गियर कोई ना कोई गया होगा। तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो देख सकते हैं मेन शाफ्ट भी बाहर आ चुका है दोस्तों। इसका मेन काउंटर शाफ्ट चले जाने की वजह से गियर बॉक्स में पूरा फुल सभी गियर में साउंड आ रहा था, लेकिन काउंटर शाफ्ट के 3 नंबर गियर भी डैमेज है तो इसका भी 3 नंबर मेन शाफ्ट का गियर डैमेज होना चाहिए और है दोस्तों। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी 3 नंबर गियर को दिखाने से पहले आप एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। चलिए देख लीजिए ये 3 नंबर गियर भी डैमेज है दोस्तों।